तुम्हारे जाने से मामला कहीं और बिगड़ न जाए। क्यों क्यों बिगड़ेगी? सीधे जुमलों में टेढ़ी बात समझाने का तरीका आता है मुझे। ऐसी भी कोई बात नहीं, बड़ा आसान होता है ना किसी के किरदार पे, किसी की तरबियत पे उंगली उठाना। पूछूंगी जाके उनसे, जवाब दें अब वो अपने बच्चे के लगाए हुए झूठे इल्जामों का। चले आप आराम कर लेना, उठ जाए, थक गए होंगे। कैसी थी महा? महा बहुत अच्छी। मैं जब गया हूं ना तो मुझे देखते दौड़ी आई वहां से। परेशान तो नहीं हुई आपकी बात सुन के? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो बड़ी कॉन्फिडेंट है। हाँ मुझे तो यही फिक्र है कि ये पूरा ना परेशान हो रही हो कि ये किस किस्म की बातें होनी शुरू हो गई हैं। नहीं नहीं मेरा वजह परेशान हो रही थी, देखो सब कुछ मैनेज हो गया। या एट लास्ट। अब तो खुश हो ना? यप। इट वाज अमेजिंग, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट एंड ऑल थैंक्स टू यू। वेलकम। पता है इंसान की जिंदगी में बहुत कम ऐसे लम्हात आते हैं जिसमें वो एक्चुअली खुश होता है, और आज मॉम डैड के चेहरे पे मैंने वो खुशी देखी। इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ यू, सो थैंक यू। अब थैंक यू कहती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? कसम से यार, आ रहे मेहमान खा रहे थे, मैं कुछ भी नहीं खा सका, बहुत भूख लग रही है मुझे। मैं भूल गई थी, मॉम काफी देर से अंदर बुला रही हैं। आई थिंक मैं अंदर चलना चाहिए। जी 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 मिसेस नसरीन, बिल्कुल बिल्कुल। शाजिया के आने से मैं रिलैक्स तो हुई हूँ, लेकिन मेरा बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी वही है, वैसी है। ऑफ कोर्स शी इज यंग, मगर अभी तजर्बा उसका इतना है नहीं। जितना भी है शी इज गिविंग हर 100%, एंड यू नो आफ्टर ऑल दैट आई एम द रिस्पॉन्सिबल ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंसेस हियर। जी अच्छा, आपकी तरफ से ना वो डोनेशन के लिए कुछ लोग आए थे, मगर मजे की बात ये है कि दे हैव डिसएग्रीड टू टेक एनी स्लिप फ्रॉम अस। आप तो जानती हैं कि मैं अपने इदारे को सिर्फ हलाल की कमाई से, हलाल रिस्क से चलाना चाहती हूँ। जी जी ऑलराइट ऑलराइट, थैंक यू, खुदा हाफिज़। दस ये लीजिए, फहीम आया था अभी थोड़ी देर पहले, दुकान का हिसाब देकर गया, और वो कह रहा था कि वो जो हमारी एक दुकान है ना डाखाने वाले रोड पर जो खाली पड़ी है, किसी ने पूछा उसके बारे में किराए के लिए, अगर आप कहें तो वो कह रहा था किराए पे देते। चलो देखता हूँ, बात कर लूंगा फहीम से। खाली पड़ी दुकान क्या दे रही है, अच्छा ना किराए पे देते। भाई उसमें कुछ सामान पड़ा है, उसे गोदाम में भिजवाऊंगा, फिर किसी से बात करूंगा। और ये दुकानों के मामले में तुम मुझे मशवरा मत दिया करो, मुझे अच्छी तरह पता है क्या करना है और क्या नहीं करना। जुलेखा बता रही थी कि शफकत साहब तशरीफ ले आए हैं शहर से। चलो अच्छा किया मेरी बात मान के ले आया महा को वापस। शहर तो गए थे लेकिन बेटी को अपने साथ नहीं लेकर आए। क्या जी? अरे मैं भी ये बात सुन के हैरान हो रही थी कि आपकी बात को उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। हाँ कहने को तो चले गए थे, बेटी से मिलके वापस आ गए, उसको अपने साथ नहीं लाए। हालांकि मैंने उसे साफ साफ कहा था कि महा को लेकर वापस आए। अरे कहा तो था आपने, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते ना ये मियाँ बीवी की अपनी बेटी के सामने कुछ नहीं चलती, सर पे चढ़ा के रखा है, हर वक्त उसके नाज नखरे उठाते रहते हैं। तो शादी से पहले ये हाल है, शादी के बाद तो न जाने क्या हाल होगा। पैगाम भेजो शफकत को, बुलाओ उसे, करता हूँ बात, ठीक करके रख दूंगा उसे। अबे तो तूने पहले क्यों नहीं बताया, टांगे तोड़ देते साले की। अबे हाँ तो क्या हुआ यार अगर वो कराची में? अरे मुझे बताता यार, सच में अपने दोस्तों की फोर्स ले गया था, सही से मजा चखाता उसे। अरे नहीं नहीं यार, अगर झगड़ा ही करना होता तो साले का मुंह ना तोड़ देता, पर फिर सोचा पहले अब्बा से बात करता हूँ, अगर अब्बा से भी मामला ना निपटा फिर मसला अपने हाथ में लूंगा। और यार वैसे भी दूसरे शहर में पुलिस का चक्कर नहीं चाहिए मुझे। भाभी ऐसी लगती तो नहीं है, कहीं तुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? अबे खुद देखा है मैंने उसे, कैसी गलतफहमी? यार मेरा मतलब ये था, हो सकता है कोई दोस्त वगैरह उसका। यार पढ़ने गई है वहां पे, वो दोस्तियां लगाने नहीं,
पर शहर के लड़कों को तू मुझसे बेहतर जानता है। हाँ यार, ये तो तू ठीक कह रहा है यार। पढ़ाई के बहाने क्या क्या चक्कर चलाते हैं सब जानते हैं। बुलाया वैसे मैंने अब्बा को उससे कह के आज, अगर वहां रहना है तो बगैर दोस्ती के रहे, वरना। अच्छा, गुस्सा ना हो, उसने तो ऐसी बात कर दी थी। चल छोड़ ना, चाय मंगवाता हूँ, चाय पीते, बल्कि दूध पत्ती मंगवाता हूँ। ओए बशीरे, 3 दूध पत्ती लिया, मलाई मार के। अभी लाया भाई, साथ में बिस्किट भी लाना यार, सच में। जी भाई, अभी लाया।